हेलो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड की कृषि के बारे में, या झारखंड में कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर ऑफ झारखंड। इस वीडियो में ये बात करेंगे कि झारखंड में कौन कौन से फसल, कौन कौन से खाद्यान्न उत्पादन किए जाते हैं, और ये कौन से मौसम में इसका उत्पादन किया जाता है, ये चीज़ को भी देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं कि झारखंड के बारे में। लोग जानते हैं दोस्तों कि झारखंड में जो भूमि पाई जाती है वह पठारी क्षेत्र होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी देखते हैं कि झारखंड में जो कृषि भूमि है, या झारखंड की जो भूमि है वह अधिकतर पठारी क्षेत्र वाली है। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी ध्यान रखना है कि झारखंड में कृषि भूमि, या झारखंड की जो भूमि है वह पठारी क्षेत्र है, क्योंकि यह छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है, या छोटा नागपुर पठार में स्थित है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि यह झारखंड जो है वह छोटा नागपुर पठार में स्थित है, इस कारण से यह और यहाँ की जो भूमि है वह पठारी क्षेत्र वाली या पठारी भूमि है। दोस्तों, यहाँ पर जो लोगों का मुख्य आधार है वह है कृषि। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी देखते हैं कि लोगों का मुख्य आधार है वह कृषि है, और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ का अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ का अर्थव्यवस्था भी कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वह खेती किसानी ही करते हैं, और यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था चलती है वह भी कृषि पर ही आधारित है। और दोस्तों, यह भी जानना है कि 75% जनसंख्या यहाँ की, 75% जनसंख्या जो है वह कृषि कार्यों में लगी है। तो कृषि कार्यों में लगी है वह है, यहाँ पर जितने भी जनसंख्या है उसमें से 75% जनसंख्या जो है वह कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, और इन सबको भी जानना है। और दोस्तों, अब यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जो भी है यहाँ पर कृषि, यहाँ पर जो कृषि होती है वह कृषि यहाँ जो कृषि है वह वर्षा पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। तो यहाँ पर जितने भी कृषि कार्य होती हैं वह वर्षा पर आधारित होते हैं। अगर समय पर वर्षा नहीं होगी तो फिर यहाँ कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, अच्छे से उपज उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो कृषि है वह वर्षा पर आधारित है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो भूमि है उसमें से 38 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वह कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि है। तो दोस्तों, झारखंड की जो भूमि है उसमें से 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी ध्यान रखना है अच्छे से। लेकिन इसमें से भी केवल 32% जमीन, केवल 32% जमीन ही खेती के लायक है, खेती के लायक है, केवल 32% जमीन है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन सबों से। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो कृषि कार्य होती है उसमें से सिंचाई बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि सिंचाई जो है वह किन किन जगहों से होती है। तो यहाँ पर जो सिंचाई होती है वह जल स्रोतों से होती है, जल स्रोतों से होती है, साथ ही साथ चापाकल से,
नहरों से, तालाबों से, नदियों से। तो दोस्तों इन सबों से यहाँ पर सिंचाई कार्य होता है। और ये भी जानना है कि यहाँ पर सिंचाई के लिए ज़्यादा तकनीक भी यहाँ पर नहीं है, फिर भी कृषि पर आधारित है। तो कृषि का यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है कृषक भाई बंधु लोगों से। और जब कृषि होती है तो किसानों के चेहरे प्रसन्नता से भर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंचाई जल स्रोतों से, चापाकल, नहरों से, तालाबों से और नदियों से किया जाता है। अभी सरकार इन सारी चीज़ों पर भी कार्य कर रही है कि यहाँ पर कैसे कैसे और कहाँ से सिंचाई की व्यवस्था की जाए। इन सारी चीज़ों पर भी सरकार काम कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो फसल होती है वह कितने प्रकार का उगाया जाता है और कब कब उगाया जाता है, इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो है फसल वह तीन प्रकार का उगाया जाता है। तीन प्रकार का उगाया जाता है। तो पहला है दोस्तों वह है खरीफ फसल, खरीफ फसल। दूसरा है रबी फसल। और तीसरा जो है वह है जायद या गर्मा फसल। तो दोस्तों यह है तीन प्रकार के फसल यहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है जायद या गर्मा फसल। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके तीनों को समझेंगे और देखेंगे कि कब और कौन सा फसल, कौन सा खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ फसल के बारे में। तो पहला है खरीफ फसल। तो दोस्तों खरीफ फसल जो है यह मानसून के आगमन से ही इसका उत्पादन के लिए इस पर काम किया जाता है। तो मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ फसल का उत्पादन में काम शुरू हो जाता है। यानी मानसून का आगमन कब हो जाता है पूरे भारतवर्ष में, तो वह जून जुलाई के मौसम में। तो जून जुलाई के मौसम में इसको बोया जाता है। तो यहाँ पर यह भी जाननी है कि खरीफ फसल जो है वह मानसून के आगमन यानी जून जुलाई में बोई जाती है और मानसून की समाप्ति पर क्या हो जाता है, इसको काट लिया जाता है। तो मानसून यहाँ पर समाप्त होता है सितंबर और अक्टूबर में, इसको काट लिया जाता है या काटी जाती है। खरीफ फसल को दोस्तों बरसाती मौसम फसल भी कहते हैं। बरसाती मौसम फसल। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यह है कि खरीफ फसल को भी दो भागों में बांटा गया है। तो खरीफ फसल को भी दो भागों में बांटा गया है और उसमें से जो है उसको अच्छे से डायग्राम से बनाते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर खरीफ फसल लिख लेंगे और दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसे। एक है पहला है वह है भदई फसल और दूसरा है अगहनी फसल। तो दोस्तों इसके बारे में भी अब देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो भदई फसल यह बोई जाती है मई जून में। मई जून में यह बोया जाता है। अगर हिंदी कैलेंडर के अनुसार में देखते हैं तो यह हो जाता है बैसाख और
बैसाख और जेठ के महीने में होता है, इस वक्त क्या होता है, बोया जाता है। और इसको काट लेते हैं कब, तो इसको काटा जाता है अगस्त या सितंबर महीने में। अगस्त सितंबर, उसको हिंदी में भादो कहते हैं। तो इस वक्त क्या हो जाता है, इसको काट लिया जाता है। तो भदई जो फसल है उसको मई जून में यानी वैशाख जेठ में बोया जाता है, और अगस्त सितंबर यानी भादो के महीने में काट लिया जाता है। उसी प्रकार अगहनी को देखते हैं दोस्तों, तो अगहनी जो है उसको जून यानी जेठ आषाढ़ के समय में इसको बोया जाता है। और फिर इसको दिसंबर के महीना में यानी अगहन के समय में काट लिया जाता है। तो दोस्तों यह है खरीफ फसल का जो दो टाइप है, वह है भदई और एक है अगहनी फसल। और भदई को मई जून के मौसम में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। उसी प्रकार से अगहनी को जून के मौसम में बोया जाता है और साथ ही साथ दिसंबर में काट लिया जाता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको भी देखते हैं कि झारखंड में अगर देखते हैं तो झारखंड में अगहनी फसलों का स्थान सर्वोपरि है। अगहनी फसलों का स्थान सर्वोपरि है, और यह जो है कुल कृषि भूमि का 69.75% भूमि पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर यह चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उत्पादन जो है वह झारखंड में अगहनी फसलों को सर्वाधिक किया जाता है, और कुल कृषि भूमि में भी 69.75% पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो यह अगहनी फसलों का है। और अगहनी फसलों के बाद में भदई का जो फसल है उसको उत्पादन किया जाता है। फिर खरीफ फसलों में अगर बात करते हैं तो खरीफ फसल में धान सर्वप्रमुख है। खरीफ फसलों में धान सर्वप्रमुख है। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी बहुत ही अच्छा से और ध्यान से रखना है कि खरीफ फसलों में धान सर्वप्रमुख है। और अन्य फसलों की अगर बात करते हैं तो वो अन्य फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, फिर गन्ना आदि का उत्पादन होता है। आदि का उत्पादन भी खरीफ के फसल में ही होता है। और दोस्तों अगर देखते हैं तो धान का उत्पादन क्षमता, यहाँ पर धान का उत्पादन क्षमता झारखंड में है 1930 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों अगर बात करते हैं धान का उत्पादन क्षमता, तो झारखंड में धान का उत्पादन क्षमता है 1930 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर में। तो यह थी खरीफ फसल के बारे में जानकारी। खरीफ फसल के बाद में बात करते हैं रबी फसल के बारे में। तो दोस्तों रबी फसल के बाद में हम लोग रबी फसल के बारे में देखते हैं, तो रबी फसलें या इसको ठंडे मौसम की फसलें भी कहते हैं। तो ठंडे मौसम की फसलें, इसका एक और नाम है दोस्तों, वह है बैसाखी फसल। तो इसे बैसाखी फसल के नाम से भी जानते हैं। और यह दोस्तों
इसको अक्टूबर नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और इसे मार्च मार्च में इसको इस फसल को काट लिया जाता है। तो रबी फसल जो है या ठंडे मौसम की फसलें या फिर बैसाखी फसल जो है वह अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको बोया जाता है और साथ ही साथ मार्च में इसको काट लिया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कुल कृषि कुल कृषिगत भूमि कुल कृषिगत भूमि के 9.20 भाग, मतलब 9.20 भाग में ही रबी फसल की जाती है या रबी फसल का उत्पादन किया जाता है। तो मात्र कुल कृषिगत भूमि के 9.20 भाग में ही रबी फसल का उत्पादन किया जाता है झारखंड में। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रबी फसल को ठंडे मौसम की फसल भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे बैसाखी फसल के भी नाम से जानते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है। और अगर कुल कृषिगत भूमि में देखते हैं कि रबी फसल कितने भाग में किया जाता है या उत्पादन होता है, तो वह है 9.20 भाग में ही केवल इसका उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं जायद फसल या गर्मा फसलें। तो फ्रेंड्स, जायद फसल को ही गर्मा फसलें भी कहते हैं और यह जो होता है वह छोटे मौसम की फसलें होती है, छोटे मौसम की फसलें हैं। यह दोस्तों गर्मी के सीजन में यानी गर्मी में इसका उत्पादन किया जाता है। इसको मार्च अप्रैल के महीने में इसको बोया जाता है। और फिर इसको काटा कब जाता है दोस्तों? तो काटा जाता है इसको जून जुलाई में काट लिया जाता है, जून जून जुलाई में काट लिया जाता है। और जायद फसलें जो है वह खेती किन किन क्षेत्रों में होती है? तो जहाँ पर सिंचाई उपलब्ध हो, जहाँ पर सिंचाई उपलब्ध हो आसानी से, अच्छी तरह से सिंचाई उपलब्ध होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भूमि वह आर्द्र भूमि होना चाहिए। तो आर्द्र भूमि होगा, भूमि आर्द्र होनी चाहिए, तब जाकर के ये जो जायद फसलें हैं वह इसका उत्पादन किया जाता है या उगाई जाती हैं। और अगर कुल कृषि भूमि में जायद या गर्मा फसलों को कितने प्रतिशत भूभाग में किया जाता है, तो उसको अगर देखते हैं तो यह है कि कुल कृषिगत भूमि में कुल कृषिगत भूमि का 0.73% भाग पर जायद या गर्मा फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसलों के बारे में कि कब कौन से महीने में उत्पादन किया जाता है। आगे की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि प्रमुख फसल जो है और कौन कौन से जिले उनको उगाने में अग्रणी है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, इस चीज़ को भी देखेंगे, आसानी से समझेंगे। और ये सब सारी चीज़ें झारखंड के एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से देखते हुए चलना है।
और जो भी जानकारी होगी उसको अच्छे से याद रखना है।